हरियाणा विधानसभा को सदन में गलत जानकारी देने वाले बाबू अब नपने लगे हैं। सदन में गलत तथ्य देने वाले शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जबकि गृह और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में जांच प्रक्रिया जारी है। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन चले शीतकालीन सत्र में अफसरों की वजह से सरकार की किरकिरी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसे 3 मामले सामने आए थे जहां विभाग की तरफ से सदन को गलत आंकड़े दिए गए। इनमें शिक्षा विभाग, गृह विभाग और स्थानीय निकाय विभाग शामिल है और इनमें से शिक्षा विभाग के 4 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जजपा विधायक नैना चौटाला की तरफ से पूछे गए शिक्षकों की कमी से जुड़े एक सवाल के जवाब में गलत आंकड़ा दिया गया था। सत्र के 3रे दिन बाढ़ड़ा के विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने स्कूलों के मुद्दों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर से सवाल किए थे। इन सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने गलत आंकड़े दे दिए, जिस पर सदन में सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की। फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा के सवाल पर राज्य के निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भी शर्मिंदा होना पड़ा। हुआ यूं कि नीरज शर्मा ने सवाल किया कि शिविर के ढक्कन खुले होने के कारण फरीदाबाद में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर कमल गुप्ता ने जो आंकड़े पेश किए वो अलग थे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी प्रकट करते हुए उन्हें सही आंकड़े पेश करने की हिदायत दी कि ये रिकॉर्ड जो होता है हमारे पास नहीं होता, विधानसभा के रिकॉर्ड होता है ऑफिस के पास। क्रॉस चेक या चेक तो उन्होंने ही करना है। वो जो रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हमने तो वही सभी विधायकों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो डाटा ठीक प्रकार से चेक करके भेजें, ये हमारा प्रयास रहा है और वो आगे से मुझे लगता है कि इसके अंदर। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार विधानसभा के सेशन की कार्रवाई ई विधानसभा के तहत चलाई गई है, इसीलिए 98% कागज की बचत हुई है। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान साल भर में करीब 8 करोड़ रुपए के कागज का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार कागज की ये भारी बचत हुई है। पहले जो कॉपी छपती थी वो टोटल, ये जो मैंने 5 विषय बताए, 2075 कॉपी छपती थी। अब की बार केवल 55 कॉपीज जो हैं वो हमने प्रिंट कराई, वो भी रिकॉर्ड के लिए। और इसका, इसके अंदर जो पेपर की सेविंग है वो 98% सेविंग हुई। पेपर जो हमारे बचा है कि 98% पेपर की हमारी बचत हुई। गलत आंकड़े देने वाले एक विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 2 विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है। देखना अब ये होगा कि गलत आंकड़े देने वाले कितने और अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।